Good morning students, welcome back to our another very important video lecture. In this lecture we are going to discussing about materials, metals and non-metals. Our question number one is, which of the following can be beaten into thin sheets? इसका मतलब है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमको अभी याद करके रखना है. जिंक, फॉस्फरस, सल्फर और ऑक्सीजन, किसको बीटन किया जा सकता है, किसका लेयर हो सकता है. सो आंसर विल बी जिंक. जिंक इज बीटन इनटू थिन शीट. यू ऑल नो दिस फैक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. सो चार ऑप्शन कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन, ऑल मेटल्स आर ड्यूक्टाइल, सभी मेटल हार्ड है. सेकेंड, ऑल नॉन मेटल्स आर ड्यूक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स मीन्स सभी मेटल जो नहीं है उसको नॉन मेटल बोलेंगे, तो वो ड्यूक्टाइल है. थर्ड ऑप्शन इज जनरली मेटल्स आर ड्यूक्टाइल, जनरली बोला है. और चौथे ऑप्शन में सम नॉन मेटल्स आर ड्यूक्टाइल, सम नॉन, थोड़े ही नॉन मेटल है वो हार्ड है. तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी, जनरली मेटल्स आर ड्यूक्टाइल. ज़्यादातर तो मेटल ही हार्ड होती है, नॉन मेटल तो सॉफ्ट होती है, सबको पता है. पर एक फैक्ट भी हमको याद रखना है, वो मर्क्यूरी का फैक्ट है. हाउएवर मर्क्यूरी मेटल अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ड्यूक्टाइल नहीं है. मर्क्यूरी ड्यूक्टाइल नहीं है, वो सॉफ्ट है, लिक्विड स्टेट में है, वो हार्ड नहीं होता. ये भी बात सही है, वो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड रहता है, वो यूजुअली हार्ड नहीं है. तो जब एग्ज़ाम में हमको दिया जाए मर्क्यूरी का सेंटेंस को हमको ट्रू बोलना है और वो लिक्विड स्टेट में है ऐसा भी याद रखना है. अभी थर्ड और लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. फॉस्फरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. फॉस्फरस काफ़ी रिएक्टिव है, हम उसको एयर में रखेंगे तो वो एक्टिव ज़्यादातर होती है. ठीक है, नॉर्मली मेटल ही रिएक्टिव होती है पर फॉस्फरस नॉन मेटल है फिर भी वो रिएक्टिव है, याद रखना. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ब्लैंक्स में क्या आएगा, गुड कंडक्टर मीन्स मेटल हीट की भी कंडक्टर होती है अच्छी और इलेक्ट्रिसिटी की भी कंडक्टर वेरी वेरी गुड होती है और अच्छी तरह वो पास होने देती. इलेक्ट्रिसिटी भी नॉर्मली पास हो जाती है ज़्यादातर और वो अच्छी हीट की भी कंडक्टर होती है, हीट भी उसमें ज़्यादातर पास आराम से हो जाती है. सी, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. क्यों, क्योंकि आयरन है वो ज़्यादा एक्टिव है, इसका कारण उसकी वैलेंसी है और उसकी प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब लास्ट डी, ब्लैंक्स. हम क्या कर रहे हैं, ब्लैंक्स को एक सेंटेंस की तरह हम याद रख रहे हैं जो सही भी मेथड है और इजी मेथड भी है. सो हमको कोई भी ऑप्शन आए तो डायरेक्ट आंसर याद रखना है. मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस विच गैस, हाइड्रोजन गैस. ओके, इज इट क्लियर नाउ. सो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, फिर बाद में हम मिलते हैं. चलो अपना ख्याल रखना, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम.